गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत पेन रहता है। तो मैंने पहले जब मैं योगा करता था पिछले लॉकडाउन में, तो बहुत आराम मिला। लेकिन प्रॉब्लम एक ही ये चीज़ में, जैसे ही योगा छोड़ता हूँ वापस दर्द स्टार्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, योगा करते रहना चाहिए, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। और बहुत सारे काम, जैसे आपको पता ही है मैं बिजीएस्ट पर्सन हूँ, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। गाड़ी वाड़ी साफ कर ली है आज मैंने, बहुत टाइम बाद, कम से कम तो 20 दिन बाद में आज मैंने मेरी बाइक एक्टिवा कार तीनों साफ करी है। और बस अब दूसरे अब नहाने धोने का कार्यक्रम चालू करूँगा और फिर शाम को सुंदरकांड के पाठ करेंगे हम, जिसका आपको लाइव दिखाएंगे, नहीं लाइव क्या, आपको दिखाएंगे उसका फुटेज। दूध हो गया है और ये दही के 2 कप हो गए हैं, बस अब वापस है। तो गाइस बाहर सामान लेने के लिए आया था, सामान ले लिया है मैंने और अब घर की तरफ निकलूँगा। बहुत सारी चीज़ें लेनी है, करनी है। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सबसे ज़्यादा काम रहता है। तो चलिए अब पेट्रोल लाएंगे। सो ये है छोटू, ये यहाँ पर हरदम हमें मिलता है जब भी मैं हवा भराने के लिए आता हूँ, और सीरियसली बहुत मेहनत करता है। दोपहर के टाइम पे भी यहाँ पे ही खड़ा रहता है। वो जरूर एक बार है, एक बार की बात है, हम दोनों की बात हो गई थी, ध्यान है तेरे को? उस दिन मैंने वहाँ पर नंबर भी लिए थे जब मेरे को बोला नहीं है, नहीं है, हवा नहीं है, और तू उधर ही खड़ा था। लेकिन सीरियसली इतनी धूप में भी, अभी तो चलो फिर भी थोड़ी छाया हो गई थी, धूप में खड़ा रह के बहुत काम करता है। सैल्यूट है इसको भी। चाय बनाने की प्रक्रिया मैं चालू कर दी है। बनाने के लिए पहले मैंने पॉट के अंदर पानी और चाय पत्ती डाल दी थी, अब अदरक कूटेंगे और इसको चालू कर लें। ये दूध और चाय रेडी हो गई। तो गाइस भैया आ गए हैं और हम रवाना हो रहे हैं बुआ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज वहाँ पर सुंदरकांड की पार्ट है, तेरा मास्क उतार ले। तो ये मेरा भतीजा है विभोर, भैया, भाभी और ये मेरी डियरेस्ट नीस गुल्लू। तो अब हमारी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं हमारी बुआ के लिए। अब भैया की हरदम एक बात रहती है कि जब भी मैं इनके साथ में रहता हूँ तो इनको ये मतलब क्या खलासी वाली सीट पर बैठने की इच्छा रहती है, कंडक्टर वाली सीट पर, और ये मेरे से गाड़ी चलवाते हैं। और मैंने सोचा था आज भैया गाड़ी चलाएंगे तो मैं ब्लॉग को थोड़ा ढंग से बना लूंगा, फिर वैसे ऐसे कुछ ज्यादा बनाने के लिए है नहीं, क्योंकि हम वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। वैसे तो इतना सीरियस क्यों बैठा बेटा, स्माइल है। तो गाइस हम अपनी बुआ के पहुंच गए हैं, अभी इन्होंने नया घर लिया है। अभी कुछ टाइम ही हुआ है तो इसी चक्कर के अंदर भाई नया घर लिया है, तो क्या है कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग जब घर लेते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई यज्ञ या कोई ना कोई सुंदरकांड के पार्ट इस टाइप से करते हैं कि घर की शुद्धि के लिए। तो आज इसीलिए हम सब लोग पूरे फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं और दिन तो बड़ी अच्छी लगा रखी है। मेरे कज़न से मिलाऊँगा जो कि मेरे लिए रामबाण है, जब भी मेरे कोई तकलीफ होती है मैं उसी को फ़ोन करता हूँ, वो डॉक्टर है पेशेंट से, और मिलाता हूँ आपको। तो गाइस यही है मेरा कज़न जिसके बारे में बता रहा था, मेरा रामबाण। जब भी मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है शरीर से संबंधित, मतलब कोई भी मेडिसिन चाहिए होती है तो मैं इसी को फ़ोन करता हूँ, फिर भाई ये हो गया, एक काम कर ये कर ले, और एक ही बीमारी को चार बार तो मैं फिर चले मैसेज चेक कर व्हाट्सअप करा हुआ है तेरे को बीमारी का, कौन सी दवाई लेनी है। आज इन्हीं के इनोग्रेशन के अंदर सुंदरकांड के पार्ट रखे हैं, आप सुंदरकांड के पार्ट करेंगे। तो कौन बहुत निकाल लिया आपने, देखिए निकल जाता है।
अब सुंदरकांड के पार्ट में दिखाएंगे आपको सीधे। तो गाइस सुंदरकांड के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब हम घर पे के लिए रवाना हो रहे हैं। चाचा रवाना हो गए, ठीक है। और तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ है कि हमने सुंदरकांड के पार्ट के लिए अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय।